स्टूडेंट्स तो आज की आपकी जो वर्कशीट हम कर रहे हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट ये है वर्कशीट नंबर फोर्टी ये सिक्स ऑक्टूबर की आपकी वर्कशीट है तो ये जो वर्कशीट है आपकी इसमें ये है पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर तो आपको यहां पर क्या कॉम्प्रिहेंड करना है एक पोयम दी हुई है आपको और वो आपको कॉम्प्रिहेंड करनी है वो पोयम है रेन ऑन द रूफ और फिर उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको फिर आंसर करने हैं तो जल्दी से इस पोएम को देख लेते हैं क्या है ये पोयम तो पोएम है रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट है यहाँ पर पोएट का नाम भी दिया हुआ है पोएट है कोट्स स्किनी तो ये इसके पोएट है इस पोएम के अब पोएम क्या है वेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फियर्स एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली फीप वीप्स इन रेनी टीयर्स तो यहाँ पर रेन uh, के बारे में बताया हुआ है कि जैसे ही ह्यूमिड जो है ग, काली घटा जैसे छाने लगती है ऊपर और uh, spheres, मतलब कि तारों के ऊपर जब धीरे धीरे डार्कनेस आने लगती है मतलब बादल छाने लगते हैं तो उसमें से जेंटली वीप्स एंड रेनी टीयर्स तो ऐसा लगता है जैसे उन बादलों में से धीरे धीरे आंसू की तरह जो है uh, बारिश की जो बूंदे हैं वो आ रही हैं टपक रही हैं वॉट अ ब्लिस पिलो

पिल्लों को आपने टाइटली प्रेस किया हुआ है और चुपचाप से आप क्या कर रहे हैं आप सुन रहे हैं बारिश की जो पटपट आवाज -पट आ रही है पैटर्न ऑफ द रेन जो है ऊपर जो आवाज आ रही है छत पर उसको आप बस आराम से धीरे से सुन रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट

तो ये जो थाउजेंड uh, मेमोरीज जो हैं आपकी रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो एयर थ्रेड्स बन के जैसे हवा की तरह वुफ की तरह जो है वो उड़ती जा रही है आ रही है जा रही है जैसे ही मैं ये uh, बारिश की आवाज सुन रहा हूँ अपनी रूफ के ऊपर जो बारिश गिर रही है उसकी जो पटपट की आवाज सुन रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो मेमरीज हैं जो अलग अलग इमेजिनेशनस हैं वो सब दिमाग में आ रही हैं जा रही हैं नाउ इन मेमरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन और अब मेरी मेमरी में मेरी यादों में मेरी माँ आ गई है मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ जैसी वो सालों पहले दिखा करती थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट दे टॉन ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी तो वो जैसे ही अपने डार्लिंग ड्रीमर्स अब यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स है उनके प्यारे बच्चे तो उन अपने बारे में वो बात कर रहे हैं और अपने भाई बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी मेमोरीज में उनकी यादों में अब उनकी माँ आ गई है और उन्हें याद आ रहा है कि कैसे उनकी माँ जो है उन्हें जब वो सो रहे होते थे तो उन्हें बहुत ही उन्हें सोने देती थी उन्हें सुबह जो है टिल डॉन मतलब पूरी सुबह तक जो है उन्होंने उन्हें वो प्यार से सोने देती थी और सपने देखने देती थी वो oh, और एकदम से पोएट को उनका जो वो जितनी फॉन्डली इतने प्यार से जो उन्हें देखती थी वो वो लुक जो है उनका वो उनका देखने का तरीका उन्हें याद आ रहा है एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अप ऑन द शिंगल बाय दैटर ऑफ द रेन तो जैसे ही वो ये सब जो है लिस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या उन्हें याद आ रहा है वैसे ही उन्हें अपनी मदर का जो फॉन्ड लुक है जो उनका प्यार भरा जो लुक है उन पर वो भी उन्हें याद आ रहा है जैसे जैसे वो रेन की पैटर्न जो है वो सुन रहे हैं तो इसी पोएम पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन है तो आपको कितना समझ आया कितना पढ़कर समझ पाए वो आपको यहाँ पर बताए बताना है तो पहला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ पोएम तो पोएट कौन है कोट स्की है यहाँ पर लिखा हुआ है तो थर्ड ऑप्शन कोड स्की आपका करेक्ट uh, ऑप्शन हो जाएगा फिर व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट टांजा राइमिंग स्कीम कैसे हम निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वर्कशीट में बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं अभी डिटेल्स में नहीं समझा रही हूँ अगर आपको समझना है तो आप पिछली वर्कशीट पिछली वीडियोज देख सकते हैं इसको जल्दी से बता देती हूँ तो लास्ट जो साउंड होती है उनको हम एक एक लेबल दे देते हैं तो यहाँ लास्ट साउंड है हॉवर ए स्फीयर्स क्योंकि स्पीयर्स और हॉवर में कोई कुछ सेम नहीं है तो बी डार्कनेस डार्कनेस जो है एंड का ना वो हॉवर जैसा है ना वो स्पीयर्स जैसा है तो सी फिर टीयर्स अब स्पीयर्स और टीयर्स जो है वो सिमिलर है तो हम उसको फिर से बी का यहाँ पर साउंड uh, दे देंगे क्योंकि पहले स्पीयर्स को बी दिया था तो अब टीयर्स को भी बी दे देंगे उसके बाद पिलो अभी तक ये साउंड ओ वाली साउंड नहीं आई है तो उसको हम दे देंगे डी फिर बेड अभी तक एड ड, वाली साउंड नहीं आई है तो उसको दे देंगे ई फिर पैटर ये भी साउंड अभी तक नहीं आई है तो उसको दे देंगे फिर ओवरहेड अब बेड और ओवरहेड जो है वो सेम है तो इसलिए हम इसको ई दे देंगे क्योंकि बेड को ई दिया था साउंड तो इसलिए ओवरहेड को भी ई दे देंगे तो यहां पर आपकी राइम स्कीम फिर बन जाती है ए बी सी बी डी E E F -E. तो इसी तरह से आपको बस ये ढूंढना है अब फर्स्ट स्टैंडा में जो है यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन थ्री जो है ये आपकी राइम स्कीम बताता है तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका अगला चलते हैं द पोएट इज डैश पैटर्न ऑफ पैटर ऑफ द रेन तो पोएट क्या कर रहा है पैटर्न ऑफ द रेन में बेदिंग इन क्राइंग इन स्लीपिंग इन या लिसनिंग टू तो पहले ही स्टैंडा में था द पोएट इज लिसनिंग टू द पैटर्न ऑफ द रेन फिर है आपका द साउंड ऑफ द रेन डैश टू माइंड हजारों क्या आते हैं पोएट के दिमाग में जब वो रेन की साउंड है इमेजिनेशन आती है, imagination आती है one and two, या none of these? तो होगा क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज मतलब इमेजिनेशन और थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन मतलब थाउजेंड्स ऑफ memories को वो याद करता है तो बोथ वन एंड टू यहां पर करेक्ट ऑप्शन है फिर है आपका द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड पोएट ऑफ डैश तो साउंड ऑफ द रेन किसकी याद दिलाता है अपनी मदर की भी उन्हें याद दिलाता है फिर हिज मदर लुक्स एट हिम डैश पर आपको एक एडवर्ब यूज करना है उसकी मदर जो है उसको किस तरह से देखती है एंगर से गुस्से में देखती है फॉन्डली प्यार से देखती है केयरफुली ध्यान से देखती है विद लव प्यार से देखती है अब पोएम में क्या है आपको वो लिखना है तो यहाँ पर है ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी तो उनका लुक जो था बहुत फॉन्ड वाला लुक था मतलब कि वो उन्हें फॉन्डली देखती है पोएट को फिर है बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम तो मैंने आपको पहले ही बताया मदर जब डार्लिंग ड्रीमर्स को देखती है तो डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है मतलब कि वो पोएट और उनके जो भाई या बहन है उनको वो प्यार भरी नजरों से देखती है जब वो सो रहे होते हैं और सपने देखते देख रहे होते हैं तो डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पोएट एंड हिज सिबलिंग है फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू यू फील वेन इट रेन्स तो जब बारिश होती है तो आपको कैसा फील होता है अब ये जो ऑप्शन है आप खुद इसमें करके लिख सकते हैं अगर आप खुश होते हैं जब बारिश होती है तो आप हैप्पी पे क्लिक कीजिए टिक कीजिए अगर आप सैड होते हैं तो सैड पे टिक कीजिए अगर आप एंक्शियस होते हैं मतलब आपको चिंता सी हो जाती है तो आप थ्री पे टिक कीजिए और अगर कोई और आपको फीलिंग आती है तो आप फोर्थ पे टिक करके आप यहाँ पर वो फीलिंग लिख सकते हैं तो ये आपके बेस्ड चॉइस पर ये क्वेश्चन है आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं उम्मीद करते हो ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वर्कशीट समझ आ जाए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू